हेलो पत्रकार जी, आज भी आपकी रिक्शा खराब हो गई। सॉरी, आज मैं आपको लिफ्ट नहीं दे पाऊंगी, बारिश हो रही है ना, तो साइकिल नहीं लाई। नहीं नहीं, आज मैं लिफ्ट के लिए नहीं खड़ा हूँ, आज तो कल की लिफ्ट के लिए थैंक यू कहने को खड़ा हूँ। थैंक यू सो मच, हाउ स्वीट ऑफ यू। वैसे आपको कैसे पता कि मुझे गुलाब के फूल बहुत पसंद है? पत्रकार हूँ ना, दिल की बात यूँ जान लेता हूँ। ऐसी बात है तो बताइए, और क्या क्या जानते हैं आप मेरे दिल के बारे में? यही कि मेरा दिल आपका दीवाना है। मेरा मतलब है आपका दिल इन फूलों का दीवाना है। पत्रकार जी, मैं इतने सारे फूलों की नहीं, सिर्फ एक ही फूल की दीवानी हूँ। वैसे क्या जरूरत थी इन फूलों पर अपने पैसे बर्बाद करने की? कल आपने मुझे थैंक यू कहा था ना? दरअसल कल जल्दी जल्दी में मैं आपको ठीक से थैंक यू बोल नहीं पाया था, इसलिए आपके लिए फूल लेकर आया हूँ। और मेरे कोई पैसे बर्बाद नहीं हुए, उल्टा आपके हाथ में आकर फूल आबाद हो गए। और वैसे भी वो आपका रुमाल कहाँ गया? ये रहा। आपके पेन भी तो मेरे पास रह गई थी, एक मिनट। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप उस पेन को अब अपने पास ही रखिए, हमारी पहली मुलाकात की पहली गिफ्ट समझकर। ऐसी बात है तो फिर आप भी मेरा रुमाल अपने पास ही रहने दीजिए। सच, हमारी पहली मुलाकात की पहली गिफ्ट समझकर। थैंक यू। वैसे एक बात कहूँ? कहिए ना। जब से मैं आपसे मिला हूँ ना, मुझे मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको बरसों से जानता हूँ। पता नहीं, मुझे भी कुछ कुछ ऐसा ही लगता है। सच? कल पूरी रात मैं आपकी यादों में खोया रहा, एक पल भी नहीं सो पाया। मैं भी आपसे एक बात कहूं? कहिए ना। सुबह होने के इंतजार में मैं भी सारी रात नहीं सोई, कब सुबह हो और आपसे मिल सकूं। सच? अच्छा, यानी आग दोनों तरफ बराबर लगी है। सही मौका है, नाम पूछ लेता हूँ। वैसे आपने अपना नाम क्या बताया? अभी तक तो मैंने अपना नाम ही नहीं बताया है आपको। देखिए ना, आपने अपना नाम भी नहीं बताया, पर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपको कई जन्मों से जानता हूँ। सपना? सपना नहीं, सच कह रहा हूँ। अरे पत्रकार जी, मेरा नाम सपना है। ओ, सपना, सच में सुंदर नाम है। तुम सच में सपना हो। वैसे मायसेल्फ गोल्डन क्रो अवार्ड विनर, अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपट लैन। हाँ, मुझे पता है, मैं अक्सर तूफान एक्सप्रेस में आपका नाम पढ़ती हूँ। अरे हाँ हाँ, आपने बताया था आप अक्सर तूफान एक्सप्रेस पढ़ती है। वैसे एक बात कहूँ, जब से तूफान एक्सप्रेस में मैं आपको पढ़ती हूँ ना, मुझे आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी। सच? आपकी रिपोर्टिंग बहुत ही अच्छी होती है। थैंक यू सपना जी। मैं भी आपसे मिलके जुदा हुआ हूँ, तब से मेरा दिल आपको एक ही बात बार बार पूछने को कह रहा है, अगर आप कहे तो पूछ लो। हाँ पूछिए ना। सपना जी, क्या आप अपनी जिंदगी की साइकिल पर मुझे डबल सीट का पार्टनर बनाना पसंद करेंगे? मतलब सच में, मतलब पक्का आपको डबल सीट का रिश्ता मंजूर है ना?
हाँ लेकिन सुनिए ना, इसके लिए मेरी एक शर्त है। कहिए ना, आपकी क्या शर्त है? मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है। वो मैं चाहती हूँ कि हमारी पहली मुलाकात साइकिल से टकराते हुए हुई थी ना, तो मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि अरे बताओ ना सपना, क्या है तुम्हारी ख्वाहिश? अब तुम्हारी ख्वाहिश मेरी ख्वाहिश है, मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा, जल्दी बताओ। आप अपनी बारात साइकिल पर लेकर आए मुझे लेने के लिए। मुझे शर्त मंजूर है, मेरी बारात साइकिल पर ही आएगी। और देखना, मेरे साथ गोकुलधाम सोसाइटी के सारे बाराती भी साइकिल पर ही आएंगे। अपने जीवन से सारे टेंशन को कैंसल कैंसल कर देना। चाचा जी आज से सब टेंशन कैंसल कैंसल कैंसल। वाह वाह पोपटलाल, ये दिन तुम्हारी जिंदगी में बार बार आने वाला नहीं है, इसलिए सारा मजा लूट लो। मेरी प्यारी गोकुलधाम की बहनों, ये सब आपके प्यार और आशीर्वाद का फल है। सिर्फ बहनों को धन्यवाद दे रहे हो? पोपटलाल ये तो गलत बात है, तुम्हारी शादी के लिए तुम्हारे भाइयों जैसे दोस्तों ने कितनी दुआएं मांगी है, कितनी प्रार्थना की है भाई। सही बात है भाई, हमने भी कितनी मन्नतें की है तुम्हारे लिए। हाँ हाँ आदि भाई, आप सब गोकुलधाम वासियों का उपकार मैं 7 जन्म में भी नहीं चुका सकता। पर आप बबड़दाल, ये मैरिज तुम 7 जन्म तक स्ट्रॉन्गली टिका कर रखना। हाँ बबू, वरना तेरे को शादी के लिए हर जन्म में लंबा इंतजार करना पड़ेगा। अरे भाई सोड़ी शुभ शुभ बोल, तेरी ये शादी 7 जन्म तो क्या 70 जन्म तक टिकने वाली है। ईश्वर करे ऐसा ही हो। ओहो, दूल्हे राजा का आत्मविश्वास तो देखो। आहा, देखो ना, 7 जन्म से सीधा 70 जन्म। हाँ लेकिन भाई किसी ने सोचा नहीं था कि पोपटलाल की शादी इतनी जल्दी और फटाफट हो जाएगी। जल्दी? नहीं मतलब ये सब नसीब का खेल है, शादी हो रही है ये इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, अरे जैकपॉट जिस दिन लगने वाला होता है उसी दिन लगता है। सुनिए, पोपट अंकल का रथ और बारातियों की सवारी तैयार है। साइकिल। वाओ, इससे सजे हो। पोपट अंकल, ये रहा आपका साइकिल रथ। और ये सारे बरातियों के लिए साइकिल। पोपटलाल, ना गाड़ी ना घोड़ा ना हेलीकॉप्टर ना प्लेन, सीधे साइकिल। साइकिल पे भारत निकला कि बाबूजी, एकदम नवीन ने। ओह यस, व्हाट अ तुम्हारा भाई है। थैंक यू। वाह वाह पोपट बाबूजी, साइकिल पे भारत निकालने का आइडिया तो एकदम मस्त है। थैंक यू वादी भाभी, इसे कहते हैं इको फ्रेंडली बारात। इको फ्रेंडली। अरे आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन पोपट भाई सच बताइए, ये आइडिया है किसका? दरअसल ये आइडिया सपना का है। भाभी का है आइडिया। सपना पर जाएगा। उसी की इच्छा है कि मैं साइकिल पर बारात लेकर उसे लेने आऊं।
जमीन से जुड़ी हुई है लड़की। ओहो क्या बात है, देखिए तो पोपट भाई पहले दिन से अपनी बीवी की सारी इच्छा पूरी कर रहे पोपट भाई तो भाभी का बड़ा बोल जी रहे हैं। अब तो सपना के सारे सपने पूरे हो रहे हैं। पति हो तो पोपट भाई के जैसे। थैंक यू दया भाभी। भाई पति तो ये कमाल के होंगे ही, लेकिन दुनिया के पहले ऐसे दूल्हे होंगे जिनकी बारात साइकिल पे जा रही है। सही बात है। पोपटलाल जल्दी से साइकिल पर सवार हो जाओ, बारात निकलने का मुहूर्त निकल रहा है। चलो चलो भाई, सभी बाराती अपनी भी साइकिल ले लो। चलो 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 जल्दी। बाबूजी आप साइकिल चला पाएंगे ना, वरना मैं आपके डबल सीट ले लेता हूँ। अरे ठीक है, तुझे साइकिल चलाना मैंने सिखाया, तू क्या मेरी डबल सीट लेगा। चल आजा, मैं तेरी डबल सीट लेता। अरे नहीं नहीं, थैंक यू बापू जी। आई आई आई, चलो चलो। अरे एक मिनट, मैं साइकिल नहीं चला पाऊंगा। हाँ मैं भी। इसका उपाय मेरे पास है, हाथी भाई कोमल भाभी आप मेरे सखारम पे आ जाना। और इसमें भी प्रॉब्लम होता है, तोड़ी की कैंटी अवेलेबल है जी। अरे मैं सखारम पे बैठ के चलूं। भाई टपू से ना एक बात तो कहनी पड़ेगी, तुमने कमाल का इंतजाम किया। थैंक यू थैंक यू। चलो यारो आप चलते हैं, जो बोले सोने हो। बोला गणपति बाप्पा। सब लोग बैठ गए। रेडी चलो। ओ पप्पू यारा, और तेरी साइकिल वाली बारात में तो मजा आ गया यार। थैंक यू जोड़ी, थैंक यू। आज मुझे भी यकीन हो गया कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। क्राइ बबीता जी, आपका फावता है ना? हाँ? मतलब आपका जम रहा है ना? Of course. अरे मैं भी क्या पूछ रहा हूँ, आप तो रोज बालकनी में साइकिल चलाते हैं। जेठालाल तुम्हारा साइकिल का बैलेंस जा रहा है। अरे नहीं नहीं अय्यर भाई, मेरा बैलेंस एकदम बढ़िया है। पोपटलाल, अरे चलो भाई मुहूर्त बिता जा रहा है, चलो चलो। हाँ चलो चलो। पोपटलाल एमजी रोड पे बहुत ट्रैफिक मिलेगा, अगर तुमने तेज पैडल नहीं मारे तो ट्रैफिक के चक्कर में मुहूर्त निकल जाएगा। अरे नहीं 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 मेहता साहब, इतनी मुश्किल से शादी तय हुई है, ऐसे कैसे मुहूर्त निकल जाएगा। मैं आगे जाता हूँ, इस बार मुहूर्त में एक सेकंड की भी देरी नहीं होगी। हटो भाई हटो, मुझे आगे जाने दो। हटो भाई हटो, चलो चलो आगे जाने दो। हट जाओ हट जाओ, आगे जाने दो, मुझे आगे जाने दो। सपना था? अरे वाह, वो कहते हैं ना सुबह का सपना सच होता है, मेरा सपना भी सच होगा। अरे बाप रे 9 बज गए। चलो चलो पोपटलाल, आज कठिन परिश्रम करना है, चाहे कुछ भी हो जाए आज उसे मिलकर अपने दिल की बात कह के रहूंगा। चलो चलो चलो। सुबह सुबह कौन आया होगा? वो मिस टिंटिन तो मेरा घर ढूंढते हुए यहाँ नहीं पहुंच गई। अरे हाँ, मैंने बातों बातों में उसे कहा था कि मैं गोकुलधाम सोसाइटी में रहता हूँ। वही होगी। आया आया। आई आई आई। पप्पू मेरे यारा, मेरा दिल। गुड मॉर्निंग, ब्यूटीफुल मॉर्निंग, लविंग मॉर्निंग, रोमांटिक मॉर्निंग। बड़ा आया था,
हाँ यार मैं क्यों तू किसी और के आने की राह देख रहा था क्या? नहीं मैं ऐसे ही कह रहा था ना अंदर आ। लेकिन सॉरी सोड़ी मैं तुझे ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगा, मुझे अर्जेंट तैयार होकर बाहर जाना है। ओ मैनू पता है तेनू किथे जाना है, ओ साइकिल वाली ट्रेन ट्रेन पर जाई जी को मिलने जाना ना, ओ इसीलिए तो मैं आया हूं। चल तुझे अपनी गाड़ी में लेके चलता हूं। नहीं मेरा मतलब है क्यों तू तकलीफ ले रहा है? ओए इसी बहाने मुझे ट्रेन ट्रेन पर जाई जी से मिलने का मौका जो मिलेगा। सॉरी पहले मुझे तो ठीक से मिलने दे, बाद में तुझे क्या पूरी सोसाइटी से मिलवाऊंगा। क्या गला, ओ ठीक है फिर ट्रेन ट्रेन पर जाई जी से मिलने के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सोड़ी, आज सच में मुझे ऑल द बेस्ट की बहुत जरूरत है। ओ पप्पू यारा, ओ कल रात को तूने जब से वो ट्रिन ट्रिन पर जाई वाली लव स्टोरी सुनाई है ना, मेरा दिल तो ट्रिन 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 हो गया यार। अरे सोड़ी मेरे दोस्त, मेरा दिल तो तेरी होने वाली भाभी को पहली नजर में देखते ही ट्रिन ट्रिन हो गया। बस आज फिर से उसे एक बार मुलाकात हो जाए तो मेरी लाइफ सेट हो जाए। ओ पप्पू देखना तेरी लाइफ तो जरूर सेट हो जाएगी। पता है पप्पू, कल रात को जब मैं कार गया ना तो मैंने अपनी रोशन डार्लिंग से तेरी साइकिल वाली ट्रिन ट्रिन पर जाई जी के बारे में बताया। उस सुन के रोशन डार्लिंग इतना खुश हो गई, तो हम दोनों ने तेरे लिए दुआ की कि इस बार तेरी बात पक्की बन जाए और तेरी सिंगल सीट की लाइफ डबल सीट में बदल जाए। थैंक यू सोड़ी, सच में मैं तेरा और रोशन भाभी का ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ओ एहसान की बात छाड़ी आ रहा, ओए ये देख, वो रोशन डार्लिंग ने अपने हाथ से तेरे लिए प्रसाद भेजा है और उसने कहा है जाने से पहले इसको खा के जाना। और यही नहीं पप्पू, और रोशन डार्लिंग ने तेरे लिए ये खास फूल भेजा है, उसने कहा है इसको माथे पे लगा के ही जाना। ओ एलवी दोनों चीजें फर्स्ट क्लास, और मेरी दुआ है पप्पू और तेरी लव स्टोरी की आज फतेह हो। थैंक यू सोड़ी, सच में आप लोगों को मेरी कितनी चिंता है, दोस्तों तो तेरे जैसा वरना ना हो। और पप्पू ए बातें छाड़ी यार, वो तेरे को निकलना है, देर हो रही है, तू भी निकल मैं भी निकलता हूँ। और शाम को ट्रिन ट्रिन पर जाई जी की गुड न्यूज जरूर देना। जरूर सोड़ी, जैसे ही मेरी मिस ट्रिन ट्रिन से मुलाकात हो जाएगी ना, सबसे पहले तेरे फोन की घंटी बजेगी, ये खुशखबरी मैं सबसे पहले तुझे ही सुनाऊंगा। ओए यारा दिल खुश कर देता, बोले सोनेहाल सत श्री अकाल। चंगा पप्पू यारा, शाम को ट्रेन ट्रेन पर जाएगी, फर्स्ट क्लास खबर सुनाना। चलो चलो ऑल द बेस्ट। ओके हो गया, जल्दी तैयार होके जाता हूँ। कुछ भी कहो तुम हैंडसम तो हो बॉस, बस किसी तरह आज ब्यूटीफुल मिस ट्रिन ट्रिन से मेरी मुलाकात हो जाए तो लाइफ सेट हो जाए। भगवान मेरी मदद करना। ऑल द बेस्ट पोपटलाल, ऑल द बेस्ट। जाते जाते चंपक चाचा के आशीर्वाद भी ले लेता हूँ, बुजुर्गों के आशीर्वाद में बड़ी ताकत होती है। यस, ख्वाब भी जिंदगी में किस कदर हंसा सकते हैं ये तो आपने देख लिया भाई। पोपटलाल के ख्वाब ने आपको बहुत हंसाया है, लेकिन अब असली बारी है हकीकत, अब असलियत सामने है, अब पोपटलाल सच में उस साइकिल वाली लड़की से मिलने जा रहे हैं। अब देखना यह है कि उस लड़की से पोपटलाल की मुलाकात होती है या नहीं होती, और सबसे बड़ा सवाल आखिर कौन है ये लड़की, क्या ये मुलाकात संभव होगी। मान लीजिए मुलाकात हो गई तो क्या करेंगे पोपटलाल, पहली नजर में प्यार में पड़ जाने वाले ये बाबले पोपटलाल क्या कर सकते हैं और क्या करेंगे, ये जानने के लिए आपको ख्वाब नहीं देखना होगा, देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.